इट्स टाइम फॉर नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड ये मुकाबला खेला जाएगा स्टेडियम में न्यूयॉर्क अब लास्ट दो दो बार जब भी ये दो टीम्स मिले आईसीसी टूर्नामेंट्स आप, आपको पता ही है कि क्या हाल किया है नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका का तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम रहेगा मिनी जियल पे फोकस है बट थोड़े बहुत स्मॉल लीग भी खेलेंगे ऑन माई मास्टर इलेवन ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ में इंश्योर कि आप रियल इलेवन पे जाके अपनी विन प्रोडिक्शन शेयर करिए जैसे मैंने साउथ अफ्रीका लिखा है आप यहाँ पे जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप

My Mass 11 पे चल रहा है यहां पे इन्वेस्टमेंट आज एक डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है अपटू सिक्स परसेंट रियल कैश सारे ओल्ड यूजर्स के लिए एंड जो भी न्यू यूजर्स है इंस्टेंटली आपको टेन परसेंट रियल कैश मिलेगा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट इतना सारा रियल कैश तो जल्दी से जाके आप जल्दी डिपॉजिट वहां कर लीजिए एक्सचेंज पे भी नो लॉस लीग चल रहा है अब अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया ना आपको नहीं पता कैसे खेलते हैं तो आप जाके पहला वीडियो देखिए हमारा जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का वहां से आप समझ जाओगे कि कैसे आप नो लॉस लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड हाई रिस्क लेके भी नो आपका आपका कोई भी वहां पर रिस्क बनेगा ही नहीं अगर like, आप नए हैं इस कॉन्टेंट पे तो बेल आइकन करिए उसके आपको नोटिफिकेशन आते रहे एंड अब चलते हैं टुवर्ड्सर है यहाँ पे एक पूरा मुकाबले आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड दो थोड़ा बहुत ओवरकास्ट कंडीशन रहा है लास्ट फ्यू डेज पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ओवरनाइट कुछ यहां पे देखा गया था इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट हमने देखी है बट लास्ट गेम जो था कैनेडा वाला कनाडा वाला वहां पे थोड़ी सी बेटर बैटिंग कंडीशन था तो इस बात का बिल्कुल यहां पे आप ध्यान रखिएगा प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं दोनों टीम्स के लिए सिमिलर प्लेइंग इलेवन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज द लास्ट गेम वन स्लॉट जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं विवियन किंग में आर्यन दत्त के बीच अब अगर इनको खिलाना है एन इन एन मिलर, वो एक है जो इनको लेना पड़ेगा उसके अलावा काफी पे आप कर सकते हैं। so, time, चलते, चलते हैं स्ट्रेट टू द इंडिविजुअल प्लेयर कार्ड एंड वी स्टार्ट विद टीम नेदरलैंड यहाँ पे मैच विदार्ट करेंगे बैटिंग अटैक एक मैच खेला है इन टी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी नाइन रन मारे तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है

एंड जस्ट डेटा ने कोई भी खेम नहीं खेला है, है थोड़ी सी वहाँ पे एरर थी तो ऑफकोर्स हिटर तो उनको प्रेफर कर सकते हो विक्रमजीत सिंह नॉट अ ग्रेट रिकॉर्ड लास्ट गेम में ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी उनकी बस साउथ अफ्रीका इज डेमोप्लेटेड टी ट्वेंटी बिफोर अगर आपको लग रहा है कुछ मीडियम पेस ओवर्स करेंगे तो जीएल में ट्राई करेगा बट मेरे बेस्ट टीम में तो डेफिनेटली नहीं होंगे बैच डिलीटी और प्लेयर टू आउट फॉर एक मैच में दो विकेट्स ले चुके हैं साउथ अफ्रीका उस मैच में सिर्फ एक ही रन मारा था इन्होंने सो ऑफ कोर्स नॉट अ ग्रेट मैच अप बट मैच भी एक ही खेला सो आई डोंट थिंक टू मच टू जज अगर पहले बोलिंग करते हैं डेफिनेटली अ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस क्योंकि जनरली क्या हो जाता है विद द टीम दैट इज स्लाइटली वीकर विद द बैट एंड विद द बॉल दोनों से प्लेयर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल ही जाता है तेजा नेता मनु डिट प्ले द लास्ट वन अनलाइकली कि ये वाला भी खेलेंगे फिर से स्कॉट एडवर्ड्स एक मैच में 12 रन मार के आ रहे हैं वो साउथ अफ्रीका बिफोर

मे बीज लिट बुट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सम प्लेयर्स डेफिनेटली फॉर मी अयर टू वॉच आउट फॉर लोगन वेनबीक दो मैच में एक विकेट लिया साउथ अफ्रीका बट जिस टाइप की पिच आई है इट विल डेफिनेटली सूट इज बोलिंग एंड अगर बैच डिलीटी के बाद कोई अगर दूसरा पिक मेरा सीधा होगा इन द टीम दैट वुड बी लोगन वेनबीक टिम प्रिंगल बहुत ही शार्प स्पिनर है अब अगर आपने कल का मैच देखा कनाडा एंड आयरलैंड के बीच तो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वहां टिम आ, साथ बिन जफर एकदम स्ट्रेट लाइंस डाल रहे थे एंड उनको वहां से कुछ पुछ मिल रही थी एंड टिम प्रिंगल एग्जैक्टली एक्जैक्टली टाइप के बोलर है सो डेफिनेटली वॉच आउट फॉर एम इन दिस गेम ग्रैंड लीग में तो मैंने सीवीसी भी ट्राई करूंगा अगर हो पाए तो बेस टीम में भी फिट कर लूंगा बैटिंग वैल्यू आपको जरूर मिलेगी आर्यन दत्त अनलाइकली टू प्ले ऑफ ही है क्विंटन डिकॉक के सामने अगर ये खेलते हैं तो पहला ओवर डेफिनेटली डालेंगे पॉल वैन मेकरेन मेकर बोल्स फर्स्ट आई टेक हिम क्योंकि वहां पे डेथ बोलिंग वैल्यू आपको थोड़ी मिल जाती है वेल सेकंड इनिंग्स में इनका रिकॉर्ड बेहतर रहा है आई डोंट नो कि कितने रन यहाँ पे इनके पास होंगे टू तो डिफेंड वर्सेज साउथ अफ्रीका विवियन किंगमा अच्छे पेसर अप फ्रंट जब हेल्प मिलता है तो तब उस केस में थोड़े और यूजफुल हो जाते हैं अगर आपको लग रहा है आप फ्रंट हेल्प होगी तो ग्रैंड लीग में थोड़े साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर बैटर्स को जब ड्रॉप कर रहे हो तो इन्हें उन टीम्स में जरूर पिक करना साकिब अनलाइकली टू प्ले चलते हैं टीम साउथ अफ्रीका की तरफ क्विंटन टिकॉक दो मैच में यहाँ पे कुछ खास रन मारे नहीं इन्होंने वर्सेस नेदरलैंड्स एंड एट न्यूयॉर्क भी एक मैच में सिर्फ बीस रन रीसेंट फॉर्म भी इनका एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहा है सो ऑफ कोर्स एक ग्रैंड लीग ड्रॉप बन जाते हैं बट क्योंकि आपको कीपिंग वैल्यू भी दे रहे हैं बीस टीम से छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रीजा हेड्रिक्स नॉट प्लेड बिफोर नेदरलैंड एक मैच में चार रन इन द लास्ट गेम रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है वेस्ट इंडीज सीरीज में अच्छा करके आ रहे हैं बट ये इस टाइप की पिच पे

फिनिश कर दिया था न्यूयॉर्क में एक मैच में, में एवरेज थोड़ा सा खराब टू मैचेस में सिर्फ थर्टी फोर रन तो सत्रह का एवरेज एंड सिर्फ नाइनटी सेवन का स्ट्राइक रेट तो अगर आपको एक प्लेयर को छोड़ना है अभी के लिए यही लग रहे हैं बट पहले बैटिंग करते हुए इन्हें भी रूल आउट आप सीधा सीधा तो कर ही पाओगे ठीक ठाक पारी के लिए इन्होंने इन द लास्ट गेम एक तेरह रन मारे थे वर्सेस नेदरलैंड ये खेले नहीं पहले वापस थोड़े से लो आते हैं तो मे भी आप इनपे चांस ले सकते हो बट डोंट भी सरप्राइज अगर इनका भी स्पिन ये यूज कर लेते हैं पिच मार्को मेरे हिसाब से काफी इंप्रेसिव बोलिंग की इन्होंने लास्ट गेम बट वेरी अनलकी कि विकेट नहीं मिला डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर न्यूयॉर्क कंडीशन जहां पे बॉल थोड़ी सी मूव होती है एंड इनके पास ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा हाइट है तो बॉल इनका ज्यादा बाउंस भी होता है कगिज रवाडा एक मैच में कोई विकेट नहीं वर्सिस नेदरलैंड बट एट न्यूयॉर्क लास्ट गेम में अच्छा करके आ रहे हैं

अब जब नाउ दैट दैट मूड बिगन ये कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस बन के आएंगे पहले बॉलिंग करते हुए बहुत ही यूजफुल खिलाड़ी है शार्प यॉकर डालते हैं एंड थोड़ा सा मूवमेंट भी मिलता है ऑफ फुल लेंथ केशव महाराज एक मैच में दो विकेट्स वर्सेस नेदरलैंड्स नेदरलैंड एक मैच में दो विकेट्स एट द वेन्यू बोलिंग सेकंड मेरे लिए कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस के बन जाएंगे अभी के लिए निर्णय ले रहा हूं बट इफ यू बोल सेकेंड आई थिंक यू कैन डेफिनेटली कंसिडर हिम एस नेदरलैंड्स के पास एक लाइन से राइट right हैंडर्स वहां पे पड़े हुए हैं अब चलते हैं ग्रैंड लीग पिक्स पे एंड उसके पहले बनाते हैं हमारी आज की बेस्टी So we come to the base team for this game and start करेंगे with the keeping section यहाँ पे on the classen and quentin de Kock होंगे straightforward picks Scott Edwards को भी बिल्कुल rotate कर सकते हैं आप अब यहाँ से safe pick है Riza Hendricks अगर अगर आपको risky जाना staus भी अच्छे लगे थे in the last game David Miller काफी low batting करेंगे in the all rounders Logan Van Beek Bastilidi Aiden Markram and Marco Jansen आपको चारों को लेके ही जाना पड़ेगा Sibra Engelbrecht के सामने भी काफी tempted हूँ मैं but let's see we'll take a call post the toss on him उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में से साउथ अफ्रीका के चारों बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे चाहे दे बोल फर्स्ट और बोल सेकंड क्योंकि एक प्रॉपर बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक है अब रिस्क क्या ले सकते हो क्योंकि बेस्ट टीम के हिसाब से ये ज्यादातर कॉमन टीम ही रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन पे एक मुझे लग रहा है कि रिस्क बिल्कुल लिया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग जाएंगे विद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स बट मुझे लग रहा है बेस्ट बेस्टी बोल्स फर्स्ट एंड कोर्स इफ इज बोलिंग फर्स्ट इवन लोगन मैन बीक इज बोलिंग फर्स्ट उस सिनेरियो में इन दोनों पे चांस लेके बिल्कुल मतलब बनता है तो अभी के लिए ये लग रही है मेरी बेस्ट टीम बट आप कौन से साउथ अफ्रीकन बोलर्स को आउट रोटेट कर सकते हो तो क्वेश्चन तो है, है।, है, है न्यूयॉर्क की जब पहले बैटिंग होती है तो बैटिंग कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल होती है एंड देन इट गेट्स ईजियर एज द गेम गोज ऑन तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीकन ओपनर्स वहां पे आप चांस ले सकते हो एंड साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर को बैक कर सकते हो जब आप ये कर रहे हो आप क्या ज्यूम कर रहे हो कि जो नेदरलैंड का पेसर है स्टार्टिंग में परेशान करेगा तो यहाँ पे आप जा सकते हो विद पॉल वैन मिक्रेन अब इफ साउथ अफ्रीका इज बोलिंग सेकंड इसका ये भी मतलब है कि ऑर्टनियल बाटमैन के ओर डेथ ओवर्स आएंगे नहीं एंड कगीज़ और अबाडा आल्सो इज बोलिंग सेकंड विच इज सॉर्ट ऑफ पिक तो उस सिनेरियो में यहाँ पे आप जा सकते हैं आईदर एक्स्ट्रा पेस ऑफ नैंड ऑफकोर्स एज जी एल आपको बता रहा हूँ या आप जा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि नेदरलैंड चेस कर लेगी विध सिर भी है तो वहां से भी आपको वैल्यू ला के दे सकते हैं टिमप्रिंगल जब ये सेकेंड बोलिंग कर रहे हैं तो वहां पे इन पे चांस लेना बिल्कुल बनता है उस सिचुएशन में आप केशव महाराज के साथ इन्हें रोटेट कर सकते हो उसके अलावा यहाँ पे बाकी के पिक्स खेलने अभी के लिए हमें लग रहे हैं अनलाइकली बैटिंग सेक्शन से बात की जाए तो वेन साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट फर्स्टन स्टार्फ डेविड मिलर इन पे चांस लेना बिल्कुल बनता है वाइल इफ नैदरलैंड आर चेजिंग एंड अगर हमें लग रहा है कि स्टार्टिंग में बैटिंग कंडीशन टफ है फॉर साउथ अफ्रीका एंड स्कोर में भी थोड़ा सा कम हो या वन फिफ्टी वन सिक्सटी के रेंज में हो जहाँ पे नेदरलैंड वालों को भी लगे की अच्छा ये बन सकता है उस केस में मैक्स एंड माइकल दोनों बन जाएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइसेस तो ओवरऑल ये लग रहे हैं आज के हमारे रोटेशंस ऑल होंगे मेरे थ्री पिक्स टू वॉच आउट फॉर वाइल हाई सिलेक्ट ड्रॉपर होंगे रीजा हेन्ड्रिक्स बैट्स फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड एडन मार्क रम, एंड केशव महाराज होंगे वो पिक्स वाइल बैटिंग सेकंड बोलिंग और दोनों में और लग रहे हैं, काफी तो आप सभी को पसंद आया हो एंड ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा डू वट एवर यू टू डू एंड प्रिडिक्ट इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है कितने रन मारेंगे आज क्विंटन टिकॉक जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए Thank you so much for tuning in and thank you so much for all your support.